शिक्षा व्यवस्था के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग कार्यरत हैं और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी जिन प्राथमिक विद्यालयों में है उसमें एक धड़ा है जो अपनी समस्याओं को लेकर लगातार आवाज़ बुलंद कर रहा है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा में शिक्षा मित्र एक रीढ़ का पत्थर साबित होते हैं, एक मील का पत्थर साबित होते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी हैं और इनके द्वारा ढेर सारे ऐसे कार्यों का संपादन उस समय से किया जा रहा है जब उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा का स्तर काफ़ी लचर था और शिक्षकों की उपलब्धता कम थी। वर्तमान समय में जब शिक्षकों की उपलब्धता हुई है तब जाके इनके साथ अनदेखी की जा रही है। वर्तमान सरकार या इसके पूर्ववर्ती सरकारों के कुछ नियमों के चोट में, कुछ नियमों के बंधन में बंध कर इनके समक्ष ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। वर्तमान समय में हमारे साथ इसी शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष हैं और इनसे हम जानते हैं कि किस तरह के कार्यक्रम के निमित्त यहाँ ये धरनारत हैं और इनका एक प्रदर्शन चल रहा है। कार्यक्रम क्या है और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, इसके इनकी मांगें क्या हैं और किस संबंध में ये यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वागत है सर आपका, क्या परिचय है, अपना परिचय के साथ ये बताइए कि किस तरह की मांगें आप लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं बताना है, आप जानते हैं कि हमारी उत्पत्ति 2001 में इन्हीं बीजेपी के गवर्नमेंट में हुई थी, तत्कालिक मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी द्वारा और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम इस प्राथमिक विद्यालय के ताले खोले। अनवरत प्राथमिक व्यवस्था को हमने एक मजबूत स्तंभ दिया, सुदृढ़ किया। मैं इस वर्तमान सरकार से एक मांग करता हूं और हमारी यही मांग चली आ रही है कि हमारा दोष क्या है, हमने तो इस प्राथमिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया और उस सुदृढ़ता के बल पे जो प्राथमिक व्यवस्था एकदम लचर थी एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के बाद हमारी प्रशिक्षित जो BTC प्रशिक्षण होता है, BTC दो वर्षीय, वो भी दो वर्षीय जो BTC प्रशिक्षण हुआ मात्र हमारे लिए सिवारत हुआ, सरकारी प्रशिक्षण हुआ। अगर हमारा प्रशिक्षण दोष नहीं था और हमारा समावेशन जो भी पूर्व की सरकार की पूर्णतः एक नियमावली बना के की थी, हमारे समायोजन में कहीं दोष नहीं था। अगर दोष रहा तो उसमें ये वर्तमान सरकार से हम पूर्व से कुछ अराजक तत्वों द्वारा हमारे समायोजन के खिलाफ कोर्ट के शरण में गया और कोर्ट से कुछ लोगों के द्वारा हमें अयोग्य घोषित करवाना चाहा, लेकिन कोर्ट ने अयोग्य घोषित नहीं किया, कोर्ट ने हमारे समायोजन को गलत माना। चाहे वो हाई कोर्ट रहा हो चाहे सुप्रीम कोर्ट रहा हो, सुप्रीम कोर्ट से अगर समायोजन प्रक्रिया गलत रही तो ये वर्तमान सरकार से हम 2017 से ये मांग करते आ रहे हैं कि हमारे नियमावली में संशोधन करके हमें पूर्ण अध्यापक का दर्जा दिया जाए और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें 62 वर्ष की सेवा और 12 महीने मानदेय, एक उचित मानदेय जिससे हमारा भरण पोषण हो सके। आज हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे हैं, हमारा 50 से ऊपर उम्र हो चुका है, हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चों और बच्चियों की शादी करनी है, माँ बुजुर्ग हो चुके हैं, तमाम तरह के हम झंझावातों से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ा झंझावात जो बेसिक शिक्षा में है, हमारे सामने का जो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जो हमने उसको शिक्षा दिया प्राइमरी से लेकर, और आज वो आज हमें आकर विद्यालयों में इस गलत व्यवस्था के वजह से हमें कम मानदेय के कारण और पूर्णतया 12 महीने का मानदेय न मिलने के कारण तमाम तरह से अपमान झेलना पड़ता है। और इस अपमान का देन है कि विगत सालों में हमारे तमाम साथियों ने गलत कदम उठाकर या अपने उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए, काल के गाल में समा गए। इन तमाम समस्याओं को लेकर हम वर्तमान सरकार से 2017 से ही मांग कर रहे हैं, यह इस बेसिक शिक्षा को हमने एक अच्छा मुकाम दिया, एक सम्मान दिया। क्या एक विचारणीय विषय और सोचनीय प्रश्न लगता है कि क्यों ना जो गुरु एक प्राथमिक के उस नौनिहाल बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाता हो, क्या 12 वर्ष की सेवा में उसके सम्मान में इसी तरह का यह अपमान कहाँ तक सही है। इन सभी बातों को लेकर हमारा प्रांतीय नेतृत्व वर्तमान में 5 सालों से लेकर तमाम तरह से अन्य बिना होता रहा, उसी कड़ी में हम 25 दिसंबर को प्रदेश के सभी BRC पर ब्लॉक संसाधन केंद्रों में एक दिवसीय धरना दिया, उसी कड़ी में
पूर्व पर प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत आज हम जिले पर धरना दे रहे हैं। यदि हमारी इस सब मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील और गंभीर नहीं होती है तो आने वाले कल में 11 और 12 जनवरी को लखनऊ की सरजमी पर एक बहुत बड़ा विशाल धरना होगा। एक सवाल आपसे ये है ना कि आप लोग कहते हैं कि समायोजित में कुछ दिक्कत रह गई, ग्राम प्रधानों ने समायोजित किया, आपको पहले नियुक्त किया, आखिर में आप लोग क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि सरकार ने उनको नियमावली में चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, आपका 2 वर्षीय प्रशिक्षण हुआ। अभी वर्तमान समय में कुछ प्राथमिक विद्यालय प्राइवेट स्कूल के टीचरों को भी, प्राइवेट स्कूल के लोगों को भी NIOS DLOT के माध्यम से ही प्रशिक्षित किया गया, जिसको बिहार में टीचर का दर्जा के लिए वैलिड माना गया है। तो आप लोग के साथ क्या ऐसा दिख रहा है, आप लोगों को क्यों ऐसा हो रहा है? उनके प्रशिक्षण में जो आपने कहा और हमारे प्रशिक्षण में अंतर है। जैसे आप जानते हैं जो बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित आते हैं उनको भी 2 वर्षीय BTC दी जाती है, जबकि हमारे पहले उनको 2 वर्षीय BTC नहीं दी जाती थी, उनको 5 साल और 10 साल में 10 टीचर मान लिया जाता था। जब हम 2001 में आए थे उसके बाद ये व्यवस्था थी कि जो 5 साल वो क्या कहते हैं मृतक आश्रित बच्चा पढ़ाता है उनको 10 टीचर के रूप में फिर वेतनमान दे दिया जाता था। वर्तमान में ऐसी व्यवस्था है मृतक आश्रित के लिए, वो BTC करा के और टेट क्वालिफाइड के बाद नियुक्ति दे दी जाती है। हमने हमारे साथियों ने तमाम ऐसे साथी हैं करीब 50,000 हैं जो टेट भी क्वालिफाइड हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं वही सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को आपको याद होगा BEd वालों को बाहर करता है और कहता है कि इस तरह की नियुक्तियां प्राथमिक विद्यालय में गलत है, नहीं होनी चाहिए। अगर उनके लिए एक विधेयक लाया जाता है, एक पन्ने का विधेयक लाकर उनको अस्थायी नियुक्ति दी जाती है। आपने देखा होगा ये पूर्व की वर्तमान सरकार 1,37,000 जो हमारा पद खाली हुआ था, 68,000 की जो नियुक्ति की थी उसमें BEd को नहीं लाया था, लेकिन 69,000 में BEd को एक अध्यादेश लाकर अगर शामिल कर सकते हैं तो हम तो 22 साल से इस सेवा में हैं, हमारे लिए भी एक छोटा सा अध्यादेश लाकर वो शामिल कर सकते हैं। कहीं कहीं इनके मन और सोच में अंतर है, इसी को लेकर हम आज आंदोलनरत हैं। तो देखना यह होगा कि इनका ये आंदोलन कितना सफल होता है और प्रदेश की सरकार आखिर में इनकी बात कब तक मानती है। वैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए इनकी काफ़ी ज़रूरत है और प्राथमिक शिक्षकों के द्वारा और शिक्षा मित्रों द्वारा बहुत सारे जगहों पर विद्यालयों का संचालन भी किया जाता था और किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस पूरे प्रदर्शन से इन्हें वो लाभ और वो सम्मान मिलेगा और जहां भी इस तरह के शिक्षा में लोग काम कर रहे हैं, प्रदेश सरकार का अपना एक नैतिक दायित्व तो है कि ये इनसे भी बात करें, इनकी समस्याओं को समझे और इसके लिए एक सही ठोस नीति बनाए ताकि इनके भी परिवार के साथ, इनके साथ भी उचित न्याय हो सके। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या सोच, क्या विचार है, ये आप हम तक पहुँचाएँ और इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग इन सारी चीज़ों को इत्तेफाक रखते हुए, इनके इस दर्द से जुड़ते हुए इन्हें और सपोर्ट कर सकें। इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।